हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड इंडिया ऑफिशियल। और आज का जो मेरा ब्लॉग है राहु मंदिर पेठाणी, हम पेठाणी में रहते हैं फिलहाल, यहाँ से बीएड कर रहे हैं। तो जो मेरे पीछे जो मंदिर है ये राहु टेंपल पेठाणी का है, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जो कि पेठाणी पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और अब मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊँगा जानकारी, पहले आप मंदिर के आप दर्शन कीजिए। ये है राहु मंदिर का अंदर की शिला शिवलिंग, और यहाँ पे भगवान को जल चढ़ाया जाता है। ये राहु मंदिर का एकमात्र शिवलिंग है। अभी जो मैंने आपको अंदर शिवलिंग दिखाया वो है राहु मंदिर पेठाणी का। और अब हम आपको बताते हैं कि ये मंदिर कैसे बना। और एक बात और दोस्तों, इस मंदिर का जो जिक्र होता है स्कंद पुराण में होता है, और जब पांडव अपनी यात्रा कर रहे थे वो इस यहाँ भी इस विश्राम किया उन्होंने, और यहाँ भी उनका योगदान रहा जो कि इस विशेष निर्देश पर लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ राहु जो मंदिर है अंदर शिव की पूजा की जाती है, और नीचे एक शिला है बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, उस पर राहु की पूजा की जाती है। उसकी भी एक अलग सी कहानी है, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ राहु शिला जहाँ की इसकी पूजा की जाती है, जिसके नाम से ये मंदिर है, और उस मंदिर की पूजा नीचे नदी में की जाती है। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं राहु शिला। ये है राहु शिला जहाँ पे भगवान राहु की पूजा की जाती है, यही वो पत्थर है जहाँ पे राहु की पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक संगम है पूर्वी और पश्चिमी नैयार का, जिस संगम पर राहु की पूजा की जाती है। और दोस्तों एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव भगवान के साथ राहु की पूजा की जाती है। तो ये है वो मंदिर, ये पश्चिमी और पूर्वी नैयार जो बहरी है राठ क्षेत्र में। यहाँ पीछे तीन मंदिर हैं जिसके बारे में आपको फिर बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए लोग आए हैं, कुछ लोग बैठने के लिए। तो राहु मंदिर के बगल में तीन मंदिर और हैं, जो कि पीछे माँ शेरावाली का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। और जो सेकंड मंदिर है बजरंगबली का, यहाँ अंदर भगवान बजरंगबली रहते हैं। और जो तीसरा मंदिर है वो यहीं पे है, ये रामचंद्र जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता। ये तीनों मंदिर पेठाणी जो क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी धार्मिक स्थल है। और इस क्षेत्र में बुमखाल जैसे प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, अर्धनारीश्वर है, और भी बहुत सारी मंदिर हैं। हम आपको धीरे धीरे इनके बारे में बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ जाने की। और यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा एक छोटा सा मंच भी बनाया गया है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों अभी संध्याकाल की पूजा चल रही है राहु मंदिर पेठाणी में, और मेरे साथ मेरी दो दोस्त हैं आरती और श्वेता।